जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर 6 में। रुक करते हैं बिहार की तरफ। चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले जा सके। बिहार में दरोगा की बहाली की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 1275 पद के लिए यहाँ पे फॉर्म भरवाए जा रहे हैं। अब इसका फॉर्म जो है लास्ट डेट 5 नवंबर तक है। कोई गलती मत कीजिएगा, स्टेप बाय स्टेप चीजें जाके जो है यहाँ पे अपडेट दिया गया है, आप देखिए इनमें जाके सारी डिटेल दिया गया है कैसे फॉर्म को भरना है। कोई गलती नहीं करना है, चाहे आपके फोटो अपलोड करने से लेकर हो या आपके सिग्नेचर अपलोड करने को लेकर हो या आपके डॉक्यूमेंटेशन को लेकर हो। तो मैंने अलग से वीडियो डॉक्यूमेंट के ऊपर भी बना दिया है, तो आप प्लेलिस्ट जाके पहले चेक कर लीजिए बिहार दरोगा वाला, आपको सारा डिटेल वहां से स्टेप बाय स्टेप चीजें मिल जाएंगी। तो अब चलिए बात करते हैं दोस्तों आज के बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट की, जो कि सिलेबस वीडियो है। और ये सिलेबस ज्योग्राफी से संबंधित है, यानी कि भूगोल विषय से हमें किस किस टॉपिक को पढ़ना है, यानी कि हमें कौन सा टॉपिक पढ़े कि हमारा पूरा खेल यहीं खत्म हो जाए। बिल्कुल आपके लिए टॉपिक भी बताऊंगा, बुक भी बताऊंगा और इसके एग्जाम पैटर्न को भी बताऊंगा। फिर से हर बार आपको एग्जाम के पैटर्न का अपडेट मैं देता हूं ताकि आप हमेशा के लिए इस ध्यान में रहें कि आपको परीक्षा देनी कैसी है। चलिए तो सबसे पहले खबरों में चलते हैं। और अगर आप प्रैक्टिस सेट की बुक के बारे में पूछना चाहते हैं तो देखिए एक बेहतरीन बुक है, जो कि आप जो है चक्षु पब्लिकेशन का ये बुक अपने घर पे मंगवा सकते हैं घर बैठे, और यहाँ पर बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग के संबंधित MCQs लगा सकते हैं। देखिए यहाँ पे जो है आपको 20 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं, साथ ही साथ 2450 ऐसे MCQ बेस्ड क्वेश्चन है। यही नहीं 5 प्रीवियस ईयर का पेपर भी दिया गया है। तो ये बुक हो सकता है कि आपके लिए इंपॉर्टेंट हो, और मैं आपको हमेशा कहता हूं कि आप जितने भी प्रैक्टिस सेट लगाएंगे उतना आपको फायदा है। हर पब्लिकेशन का जो है आपको जो है प्रैक्टिस सेट लगाना चाहिए। तो ये बेहतरीन पब्लिकेशंस में से भी कुछ एक है, जिसके कि आप बारे में आपको लगातार मैं दे रहा हूं अपडेट और यहां से जो चीजें आपको पहुंचा भी रहा हूं। दोस्तों आपको बता दें कि यहां पे जो आपका ये बुक है, ये बुक के बारे में मैंने आपको सारा डिटेल यहां से दिया हुआ है पहले भी, और इस वीडियो में बता दूं कि ये सूची दिया गया। इस सूची में पहले तो आपको मिलेगा 5 प्रीवियस ईयर का पेपर, जो कि आपको सॉल्व है विथ डिस्क्रिप्शन सॉल्व है, और यहाँ पे 20 प्रैक्टिस सेट आपको मिलेंगे। देख सकते हैं ये पूरा 20 प्रैक्टिस सेट है, और यहाँ पे जो है इस डिटेल के साथ, मतलब कि देखिए क्वेश्चन दिया गया है, साथ ही साथ आपको बता दें क्वेश्चन के साथ साथ आपको जो है नीचे आइएगा तो डिस्क्रिप्शन भी आपको यहाँ पे दिए गए हैं। देखिएगा नीचे आइएगा तो यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन भी दिए गए हैं, इसके आंसर्स दिए गए हैं, देख रहे हैं आप यहाँ पे, तो ये आपको आंसर्स दिए गए हैं, आपको डिस्क्रिप्शन के साथ दिए गए हैं, तो आपको बेनिफिट होगा क्योंकि आपको अगर कोई चीजें उसका डिटेल समझना है तो यहाँ पे इसको पढ़ के डिटेल समझ भी सकते हैं। तो ये एक बेहतरीन बुक है जहाँ पे आप अपनी तैयारी में इसको शामिल कर सकते हैं। तो अभी एक आज अपडेट आया है दोस्तों, इसके एग्जाम पैटर्न को समझते हैं। यहाँ पे बोला गया है कि दरोगा चयन प्रक्रिया में नाम भी योग्यता, मतलब कि नाम से भी आपकी योग्यता हो सकती है। कैसे सर? तो जैसे कि मान लीजिए कि आपने PT एग्जाम दिया, आपका निकल गया, आपके साथ साथ और भी स्टूडेंट गए होंगे जिनका PT एग्जाम निकला होगा, उन्होंने भी मेंस दिया, आपने भी मेंस दिया। अब चूंकि आपको पता है कि मेंस के आधार पे ही आपका जो है मेरिट बनता है ना, ये तो आप लोगों को पता है ना, और इसके बाद आपका फिजिकल होता है, ठीक है, मेरिट बनता है इसके स्कोर पे मेनली। ये भी क्वालिफाई नेचर का है, PT आपका और PET यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट भी आपका क्या है, तो क्वालिफाई नेचर का है, बस यहाँ पे आपको क्वालिफाई कर देना, बट मेरिट जो है आपका मेंस के रिटन एग्जाम पे ही आपका आधारित है। तो अब यहाँ पे मेरिट में अगर मान लीजिए कि आप हैं और एक छात्रा है कोई, ठीक है, और एक और छात्र है मान लीजिए, ठीक है, इनका नाम अभिषेक है, इनका नाम अंकिता है, और यहाँ पे इनका नाम जो है आपका नाम जो है अर्जुन है, ठीक। तो आप मान लीजिए कि अभिषेक है, अंकिता है ना, और अर्जुन है, तो ये नाम में जो अल्फाबेटिक देख रहे हैं आप लोग है ना, इसके अनुसार आपका मेरिट बनेगा। अगर तीनों का मार्क्स यहाँ पे बिल्कुल सेम आया मेंस में, अगर मान लीजिए कि आप तीनों का मार्क्स 200, देखिए मार्क्स का एग्जाम होता है, सपोज मान लीजिए कि आप तीनों का जो है मार्क्स यहाँ पे 140 आ गया, तो आपका जो है तीनों का सिलेक्शन तो हुआ है, लेकिन जब प्रायोरिटी देने की बात होगी कि किसको प्रायोरिटी दिया जाए, तो वहां पे आपका जो है नाम के आधार पे जिसका अल्फाबेट से नाम पहले होगा उसको प्रायोरिटी दी जाएगी। यही नहीं, एज के आधार पे, यानी कि अगर आपसे कोई बड़े हैं एज में, उम्र में, इन तीनों में से अगर कोई बड़ा है तो उसको प्रायोरिटी मिलेगा। तो ये क्वालिफाई नेचर है हमारा, ये हमारा जो है पैटर्न है एग्जाम का, तो ये इस आधार पे ही आपका चयन होगा। तो इसलिए यहाँ पे बोला गया कि नाम भी योग्यता। तो अब आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे लिखा गया कि प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा में क्वालिफाई करने पर PET में होंगे शामिल। देखिए ये क्वालिफाई वाला जो चीज लिख दिया जाता है,
जैसे कि नोटिफिकेशन में भी लिखा रहता है कि आप पीटी पीटी जो है ना क्वालिफाई कर लीजिए, आप मेंस में आ जाइएगा। नहीं, यहां पे भी आपको कट ऑफ लिखना चाहिए था इनको, है ना, कि आप जब तक जो है कट ऑफ पार नहीं करेंगे आप यहां से सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे। तो यहां पे मैं थोड़ा सा इनको अंडरलाइन करूंगा इस चीज को, कि यहां पे क्वालिफाइड ना लिखकर कट ऑफ लिखे। कट ऑफ कितना हो जाएगा सर इस बार एग्जाम में, तो ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ स्टूडेंट बैठने का, लेकिन अप्रोक्स वही सारा जो है सिनारियो रहेगा। जैसे कि मान लीजिए पिछली वैकेंसीज में यहाँ पे 100 मान लीजिए पिछली वैकेंसीज में अगर हमने देखा था, जैसा कि आपको बता दें कि पीटी में है ना 72 के आसपास का जो है कट ऑफ गया हुआ था, और अगर हम मेंस की बात करें तो यहाँ पे 68 कट ऑफ गया हुआ था। तो क्या हमें इसी के आसपास का स्कोर रखना चाहिए? क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, ठीक है, मार्क्स की नहीं। तो क्वेश्चन इतने अटेम्प्ट करने पर हमारा सिलेक्शन होगा? बिल्कुल, यहां भी आपका जो है यही आसपास का अगर नंबर लाते हैं, मार्क्स क्वेश्चन अटेम्प्ट करके सही आंसर देता है यहाँ पे आप लोग देते हैं, तो आपका चयन होना संभव है यहाँ पे। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो आपका 3 चरणों में ये 3 स्तरीय परीक्षा है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया है कि यहाँ पर पहले पीटी एग्जाम होगा, और ये 1275 पद, यानी कि देखिए 1275 पोस्ट है, इसके 20 गुना छात्रों को मेंस के लिए बुलाया जाएगा। तो कितना हो जाएगा? तो मींस में छात्र जाएंगे लगभग 25,500 के आसपास, 26,000 भी हो सकते हैं, ठीक है। इसके बाद 1275 का जो है 6 गुना, यानी कि 7,650 लड़का जो है ये जाएगा कहां पे? पीटी में, है ना, पीटी क्वालिफाई करेगा ये लोग, और पीटी से भी सिलेक्ट होकर आएगा 1275 लोग। तो इनका फिर मेडिकल वगैरह होगा, सब जांच वगैरह होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर आपका चयन होगा। तो यही सारी बातें जो है यहाँ पे आपको लिखी गई है ना, ये सारी बातें आप देखिएगा पढ़िएगा, तो यही सारी बातें लिखी गई है। अब आपको अपनी तैयारी में जुड़ जाना चाहिए। तो चलिए, तैयारी में जब आप जुड़ जाते हैं तो उसमें होता है कि सर सिलेबस हमें क्या क्या पढ़ना है। तो सिलेबस के ऊपर देखिए, मैं लगातार आपको बोल रहा हूं यहाँ पे कि आप लोगों को सिलेबस का जो भी अपडेट होगा, है ना, सिलेबस का जो भी अपडेट होगा, क्योंकि एक तो सिलेबस है नहीं ना, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमी है ना, और आपका जो है साइंस है, फिर उसके बाद साइंस में भी 3 सेक्शन है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, और यहाँ पे जीके का सेक्शन तो मैंने आपको बता ही दिया चारों, और साथ में करेंट अफेयर भी है, मैथ भी है, और आपका रीजनिंग भी है। तो ये आपके सिलेबस के पूरे पैटर्न है। इसमें से मैंने कंप्यूटर जो सॉरी आपका जो है करेंट अफेयर के ऊपर जो है वीडियो बना दिया है। अब आपकी बारी आज ज्योग्राफी की है, यानी दूसरा ये सिलेबस वीडियो है। इसी तरह में है, सभी सब्जेक्ट का अलग अलग टॉपिक करके मैं जब वीडियो बना के लाऊंगा तो आपको ये बेनिफिट होगा। तो आइए टॉपिक को देख लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स हमें यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो पहला टॉपिक है हमारा दोस्तों भारत का सामान्य परिचय, जहां पे आपको भारत के अक्षांशीय देशांतरीय स्थिति के बारे में बताना होता है, जहां पे आप भारत की स्थिति विश्व में कहां पर है वो बताना होता है, जहां पे आप बिहार के बारे में क्वेश्चन भी पूछा जाएगा कि बिहार का सामान्य परिचय अगर पूछा गया कि बिहार की स्थिति भारत में कहां है, तो आपको बताना होगा कि ये किस जगह पे स्थित है। जैसे कि मान लीजिए ये भारत हमारा देश है, ठीक है, अब ये जो भारत देश है यहाँ पे बिहार है, तो ये जो है हमारा अक्षांशीय, और ये हमारा जो है ये अक्षांशीय, और ये हमारा देशांतरीय जो रेखा है इसके किस कोने पे है? तो बिहार इस कोने पे, यानी कि नॉर्थ ईस्ट में है ना, नॉर्थ नहीं तो ईस्ट कह सकते हैं आप, ईस्ट वाले क्षेत्र में। तो ये सारा जो है आपका सब कुछ बताना है यहाँ पे। तो इस टॉपिक को, इस चैप्टर को पढ़ना है, इंपॉर्टेंट है। भारत का स्थिति जो है पूरे विश्व भर में बताना है, ये भी आपका क्वेश्चन रहेगा यहाँ से। फिर इसकी लंबाई चौड़ाई पढ़नी है ना, जैसे कि यहाँ से क्वेश्चन पूछता है आपका कि दक्षिणतम बिंदु कौन सा है भारत का, इंदिरा पॉइंट है, इंदिरा कॉल है, ऐसे ऑप्शन दे देगा, तो आपको वहां पे बताने होंगे, है ना। पूर्वी जो पॉइंट है आखिरी कौन है, और पश्चिमी जो है आखिरी पॉइंट वो कौन है, उसको क्या कहते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन ये रहेंगे यहाँ से। भारत में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ये आपको पढ़ना है, क्योंकि देखिए यहां से संबंधित करेंट अफेयर भी पूछता है ना, लेकिन राज्यों से संबंधित, जैसे कि मान लीजिए बोलेगा कि बिहार के संदर्भ में क्वेश्चन रहेगा कि बिहार के सटे हुए पड़ोसी मुल्क कौन कौन से है ना, पड़ोसी राज्य कौन कौन से, तो आपको बताना है कितने राज्यों से बिहार घिरा हुआ है, क्योंकि बिहार एक लैंड लॉक्ड राज्य है, तो उसके बारे में बताना है। ऐसी किसी भी राज्य के बारे में भारत के पूछ सकता है, जैसे कि महाराष्ट्र का ही पूछ लिया, और बोलेगा कि कितने क्षेत्र जो है इसका लैंड लॉक्ड है, और ये बताना होगा आपको। यहाँ से क्वेश्चन इस तरह से देखे जाएंगे आपकी परीक्षा में। वैसे ही आपके जो केंद्र शासित प्रदेश है उसके बारे में भी पूछा जाएगा। भारत के पड़ोसी देश और उसकी सीमाएं, देखिए क्वेश्चन आप लोग देखते होंगे कि जो है पड़ोसी मुल्कों के बारे में पूछा, जैसे कि बांग्लादेश का जो है पूछेगा कि भारत के साथ कितना सीमा जो है साझा करता है भारत,
या फिर पाकिस्तान के साथ या अफगानिस्तान के साथ कितना साझा करता है, और पूछेगा कि सबसे ज्यादा किसके साथ सीमा साझा करता है, तो इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेगा। पड़ोसी मुल्कों के बारे में जैसे कि पूछेगा कि मान लीजिए कि म्यांमार है, वो भारत को छोड़ के और किस किस देशों के साथ अपना बॉर्डर साझा करता है, या फिर बांग्लादेश कौन कौन से देश के साथ बॉर्डर साझा करता है, या फिर अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान जो है पश्चिम की तरफ जो है किस देश को बॉर्डर साझा करता है, तो इस तरह का क्वेश्चन आपको देखने को यहां से मिलेगा। भारत में भौगोलिक विविधता, तो ये आपका एक चैप्टर है जहां से इंपॉर्टेंट तो है, बट यहाँ पे देखिए जनरली आपसे पूछा जाएगा कि पर्यावरण के क्षेत्र से जोड़कर कि भारत में जो हमारा पूर्वी क्षेत्र है उधर किस तरह की जलवायु पाई जाती है, पश्चिमी क्षेत्र में किस तरह की जलवायु पाया जाता है, या उत्तर में किस तरह की जलवायु पाया जाता है, तो ये भौगोलिक विविधताएं हैं जहां पे आपको पढ़नी है। भारत में चट्टानों का वर्गीकरण, कितने तरह के चट्टान पाए जाते हैं, कोई पठारी है, कोई अवसादी है, तो कोई पहाड़ी है ना, इस क्षेत्र से कौन कौन से चट्टान आपको देखने को मिलते हैं उसका वर्गीकरण पढ़ना है, और उससे संबंधित प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। भारत में प्रमुख पर्वत शिखर, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी पर्वत शिखर भारत से संबंधित है या भारत के पड़ोसी मुल्कों से संबंधित है, उनसे कौन कौन सी नदियां आती हैं, क्या क्या उनसे हमें बेनिफिट है, इसके बारे में हमें पढ़ना है। भारत के प्रमुख पर्वत भी पढ़ना है और साथ में उनकी पहाड़ियां भी पढ़नी है, उनसे लगे हुए पहाड़ियां कौन कौन सी, जैसे कि अरावली पर्वत के बारे में हमेशा पूछता है, तो अरावली पर्वत से जो सब उसका अगर मैं पूछूं कि सब पहाड़ी मतलब कि सब माउंटेन कौन कौन से हैं, तो उसके बारे में बताना है, तो यहाँ पे क्वेश्चन आएंगे इस तरह से संबंधित। जैसे कि मैं अगर बात करूं कि भारत के दक्षिणतम क्षेत्रों में सबसे लंबी ऊंची चोटी वाला पहाड़ी कौन है, ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं एग्जाम में। भारत के प्रमुख घाटियों के बारे में पढ़ना है, दर्रे पढ़ने हैं, ठीक है, दर्रे पढ़ने हैं, घाटियां पढ़नी है, पठार पढ़ना है, मैदानी क्षेत्रों के बारे में पढ़ना है, तो ये एक एक टॉपिक है, ये सब है ना, ये टॉपिक्स हैं, मैंने यहाँ पे पॉइंट्स के माध्यम से लिखा है, लेकिन ये सारे के सारे जो क्या है ये टॉपिक्स हैं, है ना, इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा आपका। और यहां मैं ज्योग्राफी में बात करूं ना, तो लगभग 8 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे, और ये चैप्टर अगर मैं देखूं तो पूरा 30 चैप्टर यहाँ पे आपको दिया गया है, तो 30 चैप्टर नहीं है, टॉपिक भी है, ठीक है। जैसे भारत की प्रमुख खाड़ियां, तो खाड़ी के बारे में अगर आप पढ़ेंगे तो भाई देखिए आप तो या तो ये बंगाल की खाड़ी के आसपास के क्षेत्रों के बारे में पढ़ेंगे, मन्नार के क्षेत्रों के बारे में पढ़ेंगे, है ना, गुजरात के क्षेत्रों के बारे में पढ़ेंगे, या फिर जो भी खाड़ी राज्य हैं यहाँ पे, है ना, हमारे उसके बारे में पढ़ेंगे, तो ये उससे संबंधित प्रश्न होंगे। दर्रों के बारे में पढ़ना होगा तो आप फिर ऊपर आ जाएंगे, है ना, क्योंकि सबसे ज्यादा दर्रे हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं, है ना, फिर हिमाचल प्रदेश वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं, सिक्किम वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं, तो ये दर्रे जो है यहाँ से यहाँ तक आप देखिएगा तो आपको पढ़ने को दिखेगा। भारत के प्रमुख द्वीप और उसके द्वीप समूह, जैसे कि कौन कौन से द्वीप समूह है यहाँ पे, फिर हमारा जो अंडमान है, लक्षद्वीप है, उसके बारे में पढ़ना है, उससे संबंधित क्वेश्चन आप पूछे जाएंगे। भारत के प्रमुख झील और जलप्रपात, भारत में कितने प्रकार के झील हैं और जलप्रपात हैं, और देखिए यहाँ से ये टॉपिक को ना करेंट अफेयर में जोड़ सकता है, और साथ में यहाँ पे पूछ लेगा कि इसमें जो है हमारा जो कौन कौन सा जो है आर्द्र भूमि है ना, तो आर्द्र भूमि कौन कौन सा है, इन क्षेत्रों से संबंधित रहते हैं वो लोग, तो वो आर्द्र भूमियों के बारे में भी आपको पढ़ना है, तो ये जानकारी है। भारत की प्रमुख नदियां, चूंकि देखिए भारत एक नदियों का देश है, ये तो आपको कहा ही गया, तो नदियां जो प्रमुख हैं उनके बारे में पढ़ना है, चाहे वो उत्तर भारत की नदियां हो, चाहे दक्षिण भारत की हो, या बिहार में बहने वाली नदियां हैं उसके बारे में भी पढ़ के जाना है, तो ये टॉपिक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क लगा सकते हैं। प्रमुख बंदरगाह तो वैसे कम है, लेकिन जो पुराना है, प्राचीन है, नया है, बड़ा है, ये चीजें पूछता है इस टॉपिक से। खनिज संसाधन, भारत के प्रमुख खनिज संसाधन, किससे हमें जो है सबसे ज्यादा जो है खनिज की प्राप्ति होती है, कौन सा हमें जो है फसल सबसे ज्यादा उगाना पड़ता है, कितने प्रतिशत भूमि पे ये फसलें उगती हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, और ये प्रश्नोत्तर जो है ना बिल्कुल सिमिलर रहेंगे, लेकिन आसान रहेंगे, लेकिन यहाँ पे लेंदी बनाया जाएगा प्रश्नों को, थोड़ा सा लेंदी तो किया जाएगा, क्योंकि 2 घंटे का आपको समय दिया जाएगा एग्जाम देने को लेकर। और भारत में देखिए प्रमुख तेल रिफाइनरी कंपनियों के बारे में भी पूछा गया है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, लेकिन ज्यादातर ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, औद्योगिक क्षेत्रों के बारे में भी क्वेश्चन एक दो रहेंगे, हो सकते हैं। कृषि के प्रारूप के बारे में ऐसे तो क्वेश्चन कम रहेगा, ना के बराबर। भारत के प्रमुख कृषि अनुसंधान और संस्थान, ये जरूर एक क्वेश्चन रहता है ना, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्टार मार्क लगा लीजिएगा। प्रमुख मिट्टियां, वनस्पति और राष्ट्रीय उद्यान, ये तीनों आप एक साथ पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये टॉपिक्स हैं, है ना, तो ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, एक दिन में इसको खत्म हो सकता है। प्रमुख जैव मंडल और आरक्षित क्षेत्र भी आपको पढ़ने हैं, और भारत की जनगणना, भारत की जनजातियां कौन कौन सी हैं, कौन से क्षेत्रों में निवास करती हैं, है ना, सबसे बड़ी जनजाति भारत की कौन सी है, ये हमारे टॉपिक है, तो ये सभी टॉपिक, देखिए जितना टॉपिक लिख दिए हैं
इस टॉपिक को अगर आप पढ़ लिए तो खेल खत्म। समझ लीजिएगा कि यहाँ यही से आपका परीक्षा में सब कुछ आएगा। भारत में परिवहन व्यवस्था यानी कि जो है यातायात की संबंधित जो चीजें हैं, रोडवे के बारे में पढ़ना है, कौन सा रोड किसको जोड़ता है, कौन सा रोड को कौन ने निर्माण किया था या किसके शासन काल के दौरान जो है कौन सा रोड बनवाया गया, ये सारी चीजें परिवहन व्यवस्था में। और भारत के संबंधित विविध तथ्य पूछे जाएंगे और वन स्थिति रिपोर्ट भी पूछे जाएंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्टार मार्क यहाँ से भी आप लगा सकते हैं। तो कुल देखिएगा तो दोस्तों यहाँ पे 30 टॉपिक है और इस 30 टॉपिक को चैप्टर की तरह पढ़ना है और ये प्रैक्टिस सेट लगाना है यहाँ पे आपको, बस इसके अलावा कुछ नहीं करना है। फिर ज्योग्राफी से आपका जो है कोई भी पलरा कोई भी क्वेश्चन जो है मतलब हार्ड नहीं लगेगा, आसान भी बहुत रहेगा आपके लिए, पढ़ लेंगे इतना तो। और उसके बाद यहाँ से स्कोर भी आप अच्छा कर सकते हैं। तो कम से कम 10 क्वेश्चन तो रहेंगे ज्योग्राफी से। और करंट का मैंने आपको एक वीडियो बना दिया है तो वो वीडियो भी देख लीजिएगा, सिलेबस वाला, और ये वीडियो भी, इस वीडियो को भी मैं उसी प्लेलिस्ट में डाल रहा हूँ जहाँ पे आपको वो वीडियो डाला हूँ। तो सभी वीडियो को लगातार देखिए, बिहार दरोगा की तैयारी में हम आपके साथ जुड़े हैं, जुड़े रहेंगे आगे भी। जय हिंद।